काफी सारे लोग हैं जो हमारे पार्टिसिपेट है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं। और दोस्तों आज खास वेबिनार है हमारा, यूनिसेफ यूनाइट महासेवा ने साथ मिलकर जो बीड़ा उठाया है वेबिनार सीरीज का, उसी सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और खास वेबिनार है डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्लानिंग स्कीम इन CHS, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इमरजेंसी प्लानिंग कैसे करते हैं, ये खास वेबिनार है, एक्सक्लूसिव विषय है दोस्तों। इसके उदय शंकर जी हमारे कीनोट स्पीकर, वो बताएंगे। और दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है जो अभी लेने वाले हैं, आनंद किलोस्कर जी कीनोट स्पीकर हैं दोस्तों। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, सैनिटाइजेशन फॉर COVID-19 प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन मेथड्स फॉर द मलेरिया एंड डेंगू फॉर हाउसिंग सोसाइटी। डेंगू और मलेरिया के जो प्रिवेंशन, सावधानी किस मेथड से लेनी है, और COVID-19 सैनिटाइजेशन कैसे करें, ये तमाम आज लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ने कहीं एक ऑफिशियली ऑथेंटिक जानकारी हम आनंद जी किलोस्कर जी से लेंगे। और मैं तमाम दोनों कीनोट स्पीकर का स्वागत करता हूं, आनंद जी का और हमारे जो उदय शंकर जी का, बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। आनंद जी, आपने आपका जो अनुभव है वो अभी आपके परिचय में बताऊंगा और उदय शंकर जी का भी परिचय बताऊंगा। उदय शंकर जी से काफी लोग मुखातिब है, लेकिन आप आज इस वेबिनार की सीरीज में आप नए हैं, लेकिन काम में नए नहीं है, आपका काम बहुत बोलता है। और उसी काम के बदौलत उदय शंकर जी और आनंद जी का मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूं कि चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे, कोरोना अंधकारी है, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा, जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो, जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा, रास्ता जरूर मिलेगा। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट हो या COVID-19 सैनिटाइजेशन प्रिवेंशन, क्या करें, ये जब रास्ता मिल रहा है और मिलेगा आगे, और आज इस वेबिनार से भी काफी सारे लोगों को रास्ता मिलेगा, और रास्ता देने वाले हमारे दो लोग हैं, उदय शंकर जी और आनंद किलोस्कर जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। और आगे बढ़ते हुए हमारा जो पहला विषय है दोस्तों, कि सैनिटाइजेशन फॉर COVID-19 प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन मेथड्स फॉर द मलेरिया एंड डेंगू फॉर हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से क्या मेथड्स हो सकते हैं सावधानी के डेंगू और मलेरिया के, और साथ ही सैनिटाइजेशन COVID-19 की सावधान रोकने के लिए कैसे करें तमाम हाउसिंग सोसाइटी के लोग, तो इस बारे में विषय बताने के लिए हमारे साथ तीन और स्पीकर आनंद किलोस्कर जी है। आनंद किलोस्कर जी के बारे में बता दूं दोस्तों कि असिस्टेंट इंसेक्टी फाइव ऑफिसर है। आनंद जी का परिचय ऐसा है कि आनंद जी ने एज ए असिस्टेंट टीचर के रूप में हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरुआत की थी बहुत सालों पहले। 24 साल का इनका अनुभव है MCG में, मुंबई महानगर पालिका में, एज ए पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर के रूप में दोस्तों, 24 साल का अनुभव। उसके बाद 24 साल के बाद वर्तमान में MCGM में, मुंबई महानगर पालिका में, असिस्टेंट इंसेक्टीसाइड ऑफिसर के रूप में मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए सफलतम 6 वर्ष पूरे करने के बाद, आज भी एज ए जो ऑफिसर उनकी पोस्ट है, 6 वर्ष पूरे करने के बाद कोरोना से मुंबई करो को बचाने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आनंद जी ऐसी सभी को आनंदतम में बधाई देते हुए कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ आज मौजूद है आज खास विषय बताने के लिए। आनंद जी प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है, आगे का जो प्लेटफॉर्म है मंच आपके हवाले, प्लीज वेलकम आनंद किलोस्कर। थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे शर्मा साहब ने कहा, मेरा नाम आनंद किलोस्कर है, MCGA मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं असिस्टेंट इंसेक्टिसाइड ऑफिसर के तहत काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे जो पहला विषय है, सब्जेक्ट है कि सैनिटाइजेशन इन द हाउसिंग सोसाइटीज, तो उसके बारे में पहले मैं एक या दो तीन मिनट में आपको थोड़ा सा नैरेट करना चाहूंगा, उसके बाद मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में और एक विस्तृत में जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों सैनिटाइजेशन, अभी ये जो वर्ड है ये तो बहुत ही अभी पॉपुलर हो गया है, वैसे तो पहले से था लेकिन कोरोना आने के बाद बोलते हैं कि सैनिटाइजेशन सैनिटाइजर, ये वर्ड कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। तो एक्चुअली सैनिटाइजेशन क्या है? सैनिटाइजेशन इट इज अ सब्जेक्ट, इसका मतलब कि यूज ऑफ एनी केमिकल कॉम्बिनेशंस टू किल द जर्म्स बैक्टीरिया और द वायरस। जैसे हम सोचते हैं कि यार हमको पता है कि कोरोना एक वायरस है, तो ये वायरस को खत्म करने के लिए भी सैनिटाइजर का यूज किया जाता है एंड वी कॉलिंग इट इज अ सैनिटाइजेशन। लेकिन अगर ये देखने जाए तो इसका यूज एक बहुत ही कम पैमाने में आ जाता है। तो पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो सैनिटाइजेशन है
ये अलग अलग मोड पे मिला काम किया जाता है। ये सैनिटाइजेशन फॉर कोविड-19 प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन मेथड फॉर द मलेरिया डेंगू और द हाउसिंग सोसाइटीज। हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि सैनिटाइजेशन फॉर कोविड-19 प्रिवेंशन, ये जो सैनिटाइजेशन के मोड है ना, ये तीन मोड है मेजर। एक है हैंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है हाई प्रोफाइल सैनिटाइजेशन, और जो तीसरा है स्प्रे सैनिटाइजेशन। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सैनिटाइजेशन ये जो है, ये जो अभी कुछ ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बीएमसी अगर देखने जाए, एमसीजीएम, ये सैनिटाइजेशन जो है वो पहले से करते आ रहे। मैं काम करता हूँ पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में, लेकिन ये जो काम पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट पहले से कर नहीं रहा था। बीएमसी में एक डिपार्टमेंट है, दैट इज नोन एज अ कॉन्जर्वेंसी डिपार्टमेंट। जी उनका काम है कि वो पूरे मुंबई शहर की जो स्वच्छता है, जैसे क्लीनलीनेस, हम जैसे देखते हैं कि सुबह सुबह रास्ते पे कोई आपको बीएमसी का जो कामगार रहता है, लेबर, वो रास्ता साफ करता रहता है, दैट इज एक्चुअल क्लीनलीनेस। लेकिन ये क्लीनलीनेस करते करते पहले जो सिस्टम थी ये थी कि हर जगह पे कोई डस्टबिन रखे जाते थे। ये डस्टबिन में जो जितना भी कचरा पूरा जमा हो जाता था, वो ये डस्टबिन में पूरा जमा किया जाता था, फिर बीएमसी की जो गाड़ी आके उसको उठा के लेके जाते थे। इसके बावजूद भी आपको जैसे पता है कि ये तो सिर्फ आमतौर पर रस्से पे किया जाता था, लेकिन अपना बीएमसी में या अपने बीएमसी मुंबई लिमिट में स्लम भी बहुत तादाद में है। ये छोटी छोटी गलियां है, छोटे छोटे जो घर है, उनके यहाँ पे कॉमन टॉयलेट भी है उन लोगों के लिए, जो सहूलियत वो बीएमसी ने करके दी है। फिर वो को कॉमन टॉयलेट के इधर भी उसकी जब उसको जो क्लीनलीनेस है, मतलब वो साफ सफाई करना, वो जो बीएमसी का मतलब वो जो कॉन्जर्वेंसी वो करता है। ये करते करते आपने देखा होगा कि स्पेशली ये जो डस्टबिन है, ये डस्टबिन या इसके बाद वो जो क्लीनलीनेस वो जो स्लम एरिया में किया जाता है, उधर बीएमसी का जो लेबर है ना, वो कभी कभी व्हाइट पाउडर करके या लाल रंगा का जो पाउडर है ना, वो उस पर स्प्रेइंग कर देते हैं। दोस्तों इसी को ना हैंड ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है, इसका मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ डस्टिंग। तो ये भी एक प्रकार का सैनिटाइजेशन है, इसमें और जो कुछ अलग से भी है, जो जर्म्स है या बैक्टीरिया है, उनको किल करने के लिए ये यूज किया जाता है। अभी ये सैनिटाइजर या फिर ये जो काम कैसे करता है, ये जो जर्म्स या बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है, अगर देखने जाए तो उनका जो कवर है उसको हम शीट बोलते हैं, वो एक प्रकार के एक डीएनए मटेरियल का बनाया जाता है। जब ये केमिकल, ये जो सैनिटाइजर, उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये जो केमिकल मटेरियल है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, और फिर वो डिसइंटीग्रेट या डिजॉल्व होने के बाद ये वायरस या जर्म्स है ना, वो मर जाते हैं। सो दैट इज अ बेसिक यूज ऑफ द सैनिटाइजर फॉर किलिंग द वायरसेस। तो जैसे मैंने कहा, ये पहला जो मोड है वो ये है कि हैंड ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारा कॉन्जर्वेंसी डिपार्टमेंट, जैसे कोरोना आने के बहुत साल पहले ये किया जाता था, आज के तारीख में देखने जाए तो हाउस टू हाउस गार्बेज कलेक्शन होने के कारण आमतौर पर जितने भी रस्ते पे जितने भी डस्टबिन की स्पॉट है, वो भी धीरे धीरे बीएमसी ने कम कर दिए है। तो इसका मतलब हम वहां पे नहीं देखते, लेकिन इसके बावजूद स्लम में भी कुछ जगह ऐसी है कि जहां पे कचरा जमा हो जाता है, और वो जो कॉमन टॉयलेट रहते हैं उनका क्लीनलीनेस जो रहता है, उसके तहत उसका क्लीनलीनेस करने के हेतु वहां पे ये पाउडर यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल वहां पे टीसीएल पाउडर नहीं तो आइजल पाउडर, जैसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर की या रेड कलर की जो पाउडर है वो यूज किया जाता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ सैनिटाइजेशन ऑनली। जैसे उसका जो दूसरा है वो हाई प्रोफाइल, नॉर्मली हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में वो काम करने के लिए और उसका सैनिटाइजेशन करने के लिए वो वहां पे किया जाता है, उसको हाई प्रोफाइल बोलते हैं। और जो दूसरा तीसरा है स्प्रे मेथड, स्प्रेइंग जो वर्क है ना, जो बीएमसी का पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट ये करता है। इससे पहले जब तक कोरोना नहीं आ गया था अपने मुंबई में या फिर अपने इंडिया में, तब तक ये स्प्रेइंग का काम जो अलग तहत, मतलब जो इंसेक्टिसाइड के लिए स्प्रेइंग का काम किया जाता था, लेकिन पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट कभी भी ये वायरस के लिए या सैनिटाइजेशन के लिए इसका स्प्रेइंग का काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये कोरोना का कहर जब अपने मुंबई में जब आ गया, तो उस वक्त स्प्रेइंग के तहत हमको ये सैनिटाइजेशन करना चाहिए, इसका डिसीजन एक टॉप लेवल पे किया गया। और ये स्प्रेइंग का काम कौन करता है, तो ये बीएमसी का पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। तो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट पे ये काम दिया गया, तो उस वक्त हमको बहुत से पंप जो सीएसआर से उपलब्ध किए दिए गए, और उस वक्त हमको एक केमिकल और एक दिया गया, दैट इज अ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बना के वी स्टार्टेड सैनिटाइजेशन वर्क इन द सिटी ऑफ मुंबई व्हेन दैट कोरोना हैज स्टार्टेड इन द मुंबई। आपने देखा होगा, देखिए जैसे कोविड जहां पे पेशेंट आता था या जो हॉस्पिटल है वहां पे करने के लिए हम इस तरह से पीपी किट को हमारे लेबर के देके, फिर वो पंप देके जो स्प्रेइंग पंप है, और उससे हर जगह पे, मतलब उसके जो जितने भी हैंडलिंग पॉइंट्स है, जैसे हमारे घर पे हमारे जो हैंडलर्स पॉइंट रहते हैं दरवाजा खोलने के या बाथरूम पे,
और पूरी जो दीवार है वहां पे पूरी तरह से ये सैनिटाइजेशन जो वर्क है वो हम करते गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम बोलते हैं ये सैनिटाइजेशन करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट से, यस इट किल्स द वायरस, लेकिन अगर इसकी इफिकेसी देखनी जाए ना तो इसकी इफिकेसी बहुत और बहुत ही कम है। मतलब अगर यहाँ पे वायरस है और वो इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन दैट इज द सैनिटाइजर तो डेफिनेटली मर जाएगा। लेकिन कैसे, ये सोल्यूशन है पानी में उसको मिक्स किया जाता है, सो इट इज इन द वेट फॉर्मेट। जब हम सैनिटाइजेशन करते हैं तो उस पे वो सैनिटाइजेशन करने के बाद उसका थोड़ा सा जो तो लेयर है ना वो दीवार वो पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन एक थोड़ी देर के बाद आप ये पकड़ के चलो 5 या 10 या मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर वो जो जगह है ना वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद उसकी जो इफिकेसी है वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है। यानी हमने एक बार सैनिटाइजेशन कर लिया और इसके बाद अगर कोई मान लो वहां पे पेशेंट आ गया कि हु इज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना और उसके खांसी की वजह से वो वायरस अगर वो बाहर आके वो पॉइंट पे पर फिर से आ गया तो इसका मतलब वो वायरस वहां पे आराम से सर्वाइव हो जाएगा। तो सैनिटाइजेशन थ्रू स्प्रेइंग मेथड अगर देखने जाए तो इट इज ऑफ एक्चुअली नो यूज, बस उसी बात के लिए मतलब उसी टाइम के लिए उसका यूज हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट इज टोटली ऑफ नो यूज। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना जो त्रिसूत्री बनाई गई है, जैसे मास्क पहनना, कंटिन्यू हाथ वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये करते जाएंगे तो जरूर हम कोरोना से बचते जाएंगे। तो दोस्तों ये जो जैसे मैंने कहा था कि सैनिटाइजेशन के फोटो में आप देख रहे होंगे, और ये है सैनिटाइजेशन के बारे में जितना जो बीएमसी के तहत जो काम किया जाता है ये मैंने आपको बोल दिया। अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया डेंगू, और स्पेशली जो हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने क्या करना चाहिए। देखिए जैसे दोस्तों मलेरिया और डेंगी ये जो दोनों डिजीज है, एक्चुअली अभी मैं मलेरिया डेंगी इतना भी नहीं बोलूंगा, आज के तारीख में आपने सुना होगा कि चिकनगुनिया करके भी एक डिजीज है और दूसरा है अभी जीका करके जो आ रहा है। फिर फिलहाल फिलहाल ऐसा बोल रहे हैं कि जीका के कुछ एक दो पेशेंट, जैसे कुछ दिन पहले वो पूना में एक पेशेंट एक्चुअली डिटेक्ट हो गया था। तो ये मलेरिया डेंगू जीका और चिकनगुनिया ये जो है ये डिजीज अगर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटो बाइट से ही हो जाता है। अभी भी कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन अभी भी है कि हम कुछ ऐसे जगह पे गए हैं कि जहां पे हम लोगों ने पानी ठीक तरह से पिया नहीं, थोड़ा सा पोल्यूटेड वाटर था, कुछ खाना था या हमने ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हमको मलेरिया हो गया। वैसे तो अभी जो कुछ जो उन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं क्योंकि वो लोग ऐसे मिसकंसेप्शन कर देते, मोस्ट ऑफ द अभी लोगों को ये पता है कि ये जो डिजीज है ये डिजीज सिर्फ और सिर्फ मच्छर काटने से हो जाता है। तो दोस्तों मच्छर मच्छर तो हर एक को पता है, हम बोलते हैं अरे मच्छर बहुत है यहाँ हमको इतना काटते हैं, तो काटने के बावजूद फिर हमको मलेरिया डेंगू भी हो जाएगा, उनमें एक थोड़ी सा डर पैदा हो जाता है, एक थ्रेट आ जाता है। तो लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मच्छर मतलब ये मच्छर क्या है, उसकी मॉस्किटो बायोलॉजी क्या है। तो देखिए जब मच्छर है ना तो उसका एक लाइफ साइकिल है, एक मच्छर तैयार होने के लिए उसको 4 साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है। जो उसका पहला स्टेज है वो मतलब एग्स, दूसरा स्टेज है वो लार्वा, तीसरा स्टेज है वो प्यूपा और चौथा स्टेज है वो एडल्ट। तो दोस्तों जब मच्छर है ना वो ही ले द एग्स, तो मतलब एग्स इस पहला स्टेज हो गया, लार्वा सेकंड, प्यूपा थर्ड और एडल्ट इज द फोर्थ। एडल्ट जो हम सबको पता है जो नॉर्मली हमारे हाथ पे बैठने के बाद या फिर हमारे बदन पे बैठने के बाद हम देखते हैं या फिर हमको विजिली भी देख सकते हैं। देखिए ये लाइफ साइकिल का एक फोटो है। देखिए इंडिया में नॉर्मली 3 टाइप के ज्यादा मॉस्किटो हमको मिल जाते हैं, एक इज एनोफिलिस, दूसरा है एडिस और तीसरा है क्यूलेक्स। ये 3 अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज है। अगर मॉस्किटो अलग टाइप के हो गए फिर भी लाइफ साइकिल अगर देखने जाए तो हर एक का सेम ही है, मतलब उनका फर्स्ट स्टेज इज द एग, सेकंड स्टेज इज द लार्वा, थर्ड स्टेज इज द प्यूपा एंड फोर्थ स्टेज इज द एडल्ट। बस उनका देखने का जो मतलब वो जो दिखते हैं मतलब हम जैसे बोलते हैं कि उनका मॉर्फोलॉजी वो अलग अलग रह जाती है। स्टिफेंसा ये मतलब एक मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो इट इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, मतलब अगर ये काट दिया जाए ये वो काटा गया तो आदमी को मलेरिया होने की संभावना है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मॉस्किटो है लेकिन हर मॉस्किटो काटेगा तो उसको मलेरिया और डेंगू या फिर चिकनगुनिया वो जीका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर एनोफिलिस मॉस्किटो काटेगा तो फिर वो मलेरिया हो सकता है, और दूसरा मॉस्किटो जो है वो एडिस इजिप्टा है वो ट्रांसमिट करता है डेंगू की, चिकनगुनिया की और जो जीका वायरस। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये पहले जान लेना है कि मॉस्किटो अलग अलग टाइप है। अब नॉर्मली हम बोलते हैं कि रात को हमको बहुत मच्छर काटते हमको मलेरिया डेंगी या फिर वो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि
ये जो क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो है वो मॉस्किटो हम नॉन को नॉर्मली ई वो रात को काट लेता है और इसकी वजह से नॉर्मली कोई बीमारी नहीं हो जाते, बट ये इट गिव्स यू स्लीपलेस नाइट। तो दोस्तों मेजर इज व्हाट एनोफिलिस मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो जो मलेरिया और डेंगू स्प्रेड करने के लिए इनको वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये दो मॉस्किटो की एक खासियत है कि ये जो दो मॉस्किटो है उनको जब एग्स ले करने होते हैं या जैसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में अगर उनको अंडा डालना है अगर वो उनका इंक्यूबेशन होने के बाद, तो ये दो मॉस्किटो दे ले द एग्स इन क्लीन एंड क्लीन वाटर ओनली, कोई भी गंदी पानी में, मतलब ये एनोफिलिस मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो अपने वो जो एग्स है वो ले नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हमको देखना है कि अगर ये दोनों डिजीजेस हमको वहां से हमको पहले उसको प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करना है कि हम पहले मॉस्किटो से बचे। लेकिन अगर मॉस्किटो से बचे होते इतना आसान काम नहीं है, तो हमको क्या करना है कि मॉस्किटो का ये जो लाइफ साइकिल है वो उसको ब्रेक किया जाए। ये ब्रेक कैसे किया जाएगा, तो जितने भी वो जो अच्छे पानी के जितने भी सोर्सेस है हमको इस तरह से देखना है कि वहां पे मॉस्किटो वहां अंडे नहीं डाले या ही शुड नॉट ले द एग्स। देखिए जैसा लास्ट का है तो मॉस्किटो लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वाटर। अब ये लाइफ साइकिल मतलब पूरा लाइफ साइकिल है, जब देखिए लास्ट सेंटेंस है द मॉस्किटो लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वाटर। मैंने जैसे कहा कि इसके जो चार स्टेजेस में से जो तीन स्टेजेस है, पहला लेग्स, दूसरा लार्वा और जो तीसरा है प्यूपा, ये तीनों भी अगर है ये स्टेजेस सिर्फ पानी और पानी में ही पूरे हो जाते हैं। और जब वो प्यूपा होने के बाद वो प्यूपा के जब उसके कंप्लीशन आ जाती है तो अपना एक कवर ब्रेक करके एडल्ट बाहर आ जाता है एंड इट सर्वाइव्स इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो देखिए जिससे एडल्ट टू एडल्ट यहाँ से कहाँ पे भी जा सकता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द एडल्ट। सो हम यहाँ पे अर्बन एरिया में हमको क्या करना है, वो जो एग्स लार्वा प्यूपा वो पानी के बाहर अगर उनको निकला जाए तो सर्वाइव नहीं हो सकते। सो व्हाट वी शुड टेक केयर कि जितने भी पानी के कंटेनर्स वगैरह है वो पानी के कंटेनर को हम ठीक तरह से जांच कर ले और उसके ऊपर वो प्रिवेंशन की कार्रवाई करें। वो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊं। देखिए दोस्तों ये जो लेफ्ट में है वो एनोफिलिस मॉस्किटो है, अगर वो काट दिया तो मलेरिया होने की संभावना रहती है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। और वो जो है दीवार उसके यहाँ पे वो रेस करते हैं आने के बाद, उसका बाइट टाइमिंग नॉर्मली इवनिंग और नाइट में रहता है। और देखिए दूसरा एडिस मॉस्किटो, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेंगी, ये जो है स्मॉल और स्टाउट इन शेप है, वो रेस्ट इन वॉल्स विद द लोअर बैक, मतलब जो नीचे की जगह है वहां पे रहता है। और ये उसको बोला जाता है कि इट इज अ डे बाइटर, नॉर्मली ये दिन में काट लेता है। देखिए दोस्तों ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब ऐसी कौन सी जगह पर है कि जहां पे ये मॉस्किटो अपने दे ले द एग्स, मतलब अंडे डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पानी, अगर सूखी जगह रहती तो ये एग्स अपने डालता नहीं है, उनको सिर्फ पानी ही पानी चाहिए। तो देखिए अभी ये इंडोर साइट्स है, जैसे देखिए अपने हम घर पे आप हाउसिंग सोसाइटी के तहत मैं आपको ये सब इतना बोल रहा हूँ। अभी पानी के शॉर्टेज की वजह से बहुत से लोग अपने घर पे वाटर लॉफ्ट टैंक वो स्टोर करते हैं, तो ये जो जितने भी टैंक है या फिर कुछ लोग ड्रम रखते हैं, ड्रम आमतौर पर देखने होगा कि नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटी में ड्रम बहुत कम मिल जाते हैं, लेकिन जो जो स्लम एरिया रहता है उनको पानी के तो शॉर्टेज बहुत रहते हैं, दे स्टोर द वाटर इन द ड्रम्स ओनली। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए हम वेसल्स या फ्लावर पॉट्स रखते हैं, मनी प्लांट्स रखते हैं, पेट्री डिश रखते हैं, डिसयूज फिश एक्वेरियम रखते हैं, डिफ्रॉस्ट ट्रे जो हम फ्रीज करते हैं रेफ्रिजरेटर उसमें एक डिफ्रॉस्ट ट्रे रहते हैं उसमें कभी कभी पानी जमा हो जाता है, और फेंगशुई प्लांट ये जो हमारे घर पे, देखिए ये सब जो है ये ब्रीडिंग स्पॉट ये हमारे घर पे ही है, मतलब यहाँ पे हम पानी यूज करते हैं, इसका मतलब वी इनवाइटेड द मॉस्किटो टू कम अवर हाउस एंड ले द एग्स। और देखिए आउटडोर में है, टैंक्स है, वेल्स है, फाउंटन, कभी कभी सोसाइटी के एंट्रेंस पे फाउंटन रखा जाता है, कूलिंग टॉवर रखे जाता है, स्विमिंग पूल है, टायर्स कभी कभी ऐसे रखा जाता है, ड्रम्स, टॉरपोलिन, ड्रम और टॉरपोलिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्लम पे ऊपर वो जो उनका रेनी सीजन में उनके घर में लीकेज नहीं हो पाए इसलिए वो लोग टॉरपोलिन रखा जाता है। लेकिन अगर टॉर्पर रखा जाता है तो कभी कभी इस तरह से रखा जाता है कि उसमें कुछ थोड़े से डिप्रेशन आ जाते हैं, अगर वो डिप्रेशन आ जाए तो रेनी सीजन में ये डिप्रेशन बहुत ही डेंजरस रहते हैं क्योंकि वहां पे पानी जमा ही होके रहते हैं कि जब तक बारिश का सीजन पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये पानी कंटिन्यू वहां पे रहता है एंड इट इज ए वेरी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द एडिस मॉस्किटो एज वेल एज एनोफिलिस मॉस्किटो। और दूसरे देखिए और बर्ड बाथ्स है, डिस्कार्डेड बकेट्स, कैन, बॉटल्स, कप, पेट डिशेज, कोकोनट शेल, लीकेजेस फ्रॉम द टैंक, देखिए एनीथिंग विथ ए कॉन्केविटी, मतलब कुछ ऐसी चीजें
जो हम लोग यूज नहीं करते, डिस्कार्डेड, उसको देखना चाहिए। लेकिन हम वो ऐसी चीजें हो जाती है कि जिसमें पानी जमा जाता है, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कुछ लोग हाउसिंग सोसाइटी में कलर करते हैं अपने घर में, कलरिंग करने के बाद उसके जो डिब्बे है वो कभी कभी टेरेस पे रखे जाते हैं, और हम कभी टेरेस पे जाते भी नहीं है आमतौर पर देखने जाए तो टेरेस पे भी जाना एक बार, कभी कभी हफ्ते में एक बार जाना जरूरी है कि हमको ये देखना कि स्पेशली वहां पे कोई पानी जमा हो गया कि नहीं करके। देखिए अभी ये मैंने आपको एक फोटो ऐसा दिखा है कि हमारा एक कॉमन टेरेस का है। बीएमसी तो हर जगह पे पानी नहीं दे पाते 24 आवर्स, इसलिए नॉर्मली हमारे अंडरग्राउंड पे वाटर स्टोरेज रखे जाते हैं, उसको सक्शन टैंक बोला जाता है। सक्शन टैंक में बीएमसी पानी प्रोवाइड करता है, और वो सक्शन टैंक के वहां से मशीन के थ्रू हम लोग उसको ओवरहेड टाकी में रखते हैं। तो एक ओवरहेड टाकी का फोटो है। देखिए ये जो कवर है, ये कवर ब्रेक किया या ब्रोक हो गया है, टूटा हुआ है, जो जगह है इट इज वेरी इजी फॉर मॉस्किटो, क्योंकि हम वहां पे तो पानी उसको स्टोर करे जाते हैं जो हम नॉर्मल रेगुलरली हमारे घर पे यूज करते हैं। दूसरे देखिए वो टैंक है और एक जगह पे उसका लीकेज हो गया है, वो लीकेज अगर वहां पे वैसे ही रहता गया और वहां पे थोड़ा सा भी पानी जमा हो गया तो इट इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज। तो एनोफिलिस भी जा सकता है, एडिस भी जा सकता है, एंड ही द ले द एग्स वेरी इजिली। देखिए एक सोसाइटी के किसी के टेरेस के ऊपर उन्होंने वो जो बालकनी है ग्रिल से लगाई हुई है वहां पे उन्होंने कुछ वो प्लांट्स रखे हैं, और प्लांट्स का पानी नीचे नहीं जाने के लिए उन्होंने नीचे उसके कुछ वो प्लेट्स रखे हैं, कुछ छोटा सा एक पॉट जैसा रखा है। ठीक है, अगर वहां पे देखने जाए तो वो पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो वो मिट्टी है, लेकिन पानी ओवरफ्लो जाने के बाद तो नीचे वाला जो उनका जो पोर्शन है वहां पे जमा हो जाता है। हम नॉर्मली आमतौर पर उसको देखते नहीं हम लोग, वो अगर पानी वहां पे ऐसे ही जमा हो गया तो इट इज ए वेरी मच गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द एडिस मॉस्किटो, के जिसके तहत डेंगी या जीका या चिकनगुनिया फैल सकता है। देखिए वेसल्स बिलो द प्लांट, देखिए ये कुछ ऐसे है ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फिर ऑर्नामेंटल चीजें हम अपने घर पे रख देते हैं। ठीक है, वहां पे वो पानी स्टोर हो गया है, ये पानी स्टोर होने के कारण वहां पे भी मतलब इट इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो। ये एक एसी कैबिनेट, जो पुराना नॉर्मली पहले वाले जब एसी इस तरह से आ जाते थे विंडो एसी, वो लीकेज कहीं नीचे ना जा पाए इसलिए वहां पे उसको प्लेट रखा जाता है। ये प्लेट का अगर उसका वेंटिलेट करने के लिए उसको उसको आउटफ्लो पाइप अगर नहीं दिया है तो ये पानी ऐसा ही जमा जाता है, और इसमें भी मॉस्किटो इजीली ले द एग्स। दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, मॉस्किटो को अंडे डालने के लिए सिर्फ बड़े पैमाने के पानी स्टोरेज की जरूरत नहीं है। वंस टीस्पून ऑफ वाटर, अगर हम छोटा भी कोई ग्लास रहता है उसमें थोड़ा सा पानी जमा करके रखते हैं तो उसमें भी मॉस्किटो आराम से अंडे डाल सकते हैं। अब ये देखिए टेरेस के ऊपर किसने इस तरह से सब डाल के रखा है, वो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो, लेकिन उनके जो खाली जार है वैसे रखिए, स्पेशली बारिश में इसमें पानी जमा हो जाएगा और दैट विल बी अगेन ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो। अभी देखिए देखिए ये एक स्लम में एक जो है एक ऑड आर्टिकल ऐसा रखा गया है, और बारिश में ये देखिए, अभी ये ना स्पेशली मैं आपको बोल दूँ, ये मैंने अपने घर से डिटेक्ट किया है कि मेरे घर के बाजू में आई एम स्टेइंग एट भांडुप, और मेरे घर के बाजू में एक छोटा सा स्लम जैसा पोर्शन है वहां पर मैंने देख लिया। देखिए अभी ये मेरी नजर वहां पे पड़ी और मुझे पता है कि इट इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो, इसलिए आई इन्फॉर्म टू दैट कंसर्न पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर ऑफ दैट वार्ड, उसने जाके उसको रिमूव कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको भी ये रखना है कि सिर्फ घर पे नहीं, आप जब अपने बालकनी से भी कहीं पे देखेंगे तो आपको ये देखना है कि ऐसे कुछ चीजें आपके नजर में आ जाती है क्या, कि वहां पे वो चीज ऐसी रखी है और उसमें पानी जमा हो गया। ऐसी चीजें कि जहां पे अगर वो सिर्फ पानी जमा हो गया तो वेरी इट इज ए डेंजर स्पॉट फॉर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज। तो देखिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, टू डिस्कार्ड द आइटम्स दैट कलेक्ट द रेन वाटर, स्पेशली मैंने आपको बोला रेन वाटर में आपको या रेनी सीजन में आप लोगों को कुछ ज्यादा खबरदारी लेनी है। टू एम्प्टी एंड क्लीन पेट वाटरिंग कंटेनर्स वेसेस एटसेट्रा वंस इन ए वीक। दोस्तों मैंने कहा था कि मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, एग्स, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एडल्ट तो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहता है, लेकिन ये जो एग्स, लार्वा, प्यूपा, दे सर्वाइव इन वाटर ओनली। और वो जो लाइफ साइकिल है इट इज अ टोटल ऑफ 12 डेज, 10 to 12 डेज। तो दोस्तों ये जो तीन जो इनिशियल साइकिल है वो अगर पानी में रहते तो हफ्ते में एक बार अगर वो जो है उसको पूरी तरह से हम लोगों ने ड्राई कर दिया तो अगर पानी के बाहर आने के बाद अगर वो एग्स भी हो, लार्वा भी हो या प्यूपा हो, वो मर जाते, इसका मतलब दे नेवर केम इन द एडल्ट फॉर्म। तो हम लोगों को इसको ये करना है कि वंस इन ए वीक ये जो भी कुछ चीजें है ना उसको पूरी तरह से ड्राई करके रखना है। उसके बाद अगर देखो टू डू मॉस्किटो प्रूफिंग ऑफ द लॉफ्ट टैंक, अभी हमारे घर में जो लॉफ्ट टैंक रहते ही है हम उसको हर वीक में तो पूरी तरह से खाली नहीं कर सकते, तो हमको ये देखना है कि वो टैंक है वो पूरी तरह से उसको इस तरह से बंद रखे कि मॉस्किटो वहां के उसके अंदर नहीं जाए और ही शुड नॉट ले द एग्स। अगर मॉस्किटो जाके वो जो कोई वाटर असेंबली है
वो वाटर असेंबली को या वाटर कंटेनर हम उसकी तरह पूरी तरह से ढक के रख देते हैं, और मॉस्किटो अगर वहां पे जाके अगर अंडे नहीं डाल सकता है तो वी कॉलिंग दैट असेंबली एज ए मॉस्किटो प्रूफ असेंबली। तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी जो वाटर स्टोरेज टैंक है अपने टेरेस के ऊपर या अपने घर पे, जो जो भी कुछ है, हमको ये देखना है कि दे ऑल शुड रिमेन इन मॉस्किटो प्रूफ कंडीशन फॉर ऑल द टाइम। नो मॉस्किटो शुड एंटर इन टू द वॉटर स्टोरेज टैंक्स एंड ही शुड नॉट ले द एग्स, क्योंकि एक बार ये हो गया, क्योंकि जहां से जाते हैं वहां से वो एडल्ट तो आराम से बाहर आ जाएगा, और वो करने के बाद उसको नियर बाय एरिया में जितने भी लोग हैं ही कैन गिव द डिजीज मलेरिया और डेंगू, एज पर एट मलेरिया फॉर एडीज जो ब्रीडिंग हो जाता है। वैसे देखिए मैंने कहा टू डू स्क्रीनिंग ऑफ विंडोज एंड डोर्स, और विंडोज और डोर्स अगर हो सके तो उसको बंद कर करो। टू कंडक्ट रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस नॉर्मली, जैसे मैंने कहा कि हम जहाँ पे रहते हैं हम टेरेस के ऊपर या आमतौर पे जो पूरी जो सोसाइटी हम वहाँ पे घूमते नहीं है, लेकिन स्पेशली बारिश में या कभी भी अगर ऐसे हो जाए तो सोसाइटी के जो जितने सेक्रेटरी चेयरमैन उनकी शायद ये जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ किसको बोल सकते कि हफ्ते में एक बार हम वो पूरी सोसाइटी का मुआयना कर ले, और वो करने के बाद ऐसी कुछ चीजें हैं हमको सिर्फ वही नोटिस करना है कि कुछ ऐसी चीजें शायद गलती से ऐसी रही तो नहीं गई किसी मेंबर की वजह से कि जो रह गई है और उसमें बारिश का पानी जमा हो जाएगा, या फिर इसमें वो पानी जमा हो सकता है, क्योंकि वो जगह जगह रहेगी वो मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए अच्छी रह जाएगी, वो हमको अवॉइड करना है। नॉट टू कीप स्क्रैप मटेरियल इन द बॉक्स ग्रिल, क्योंकि हम बॉक्स ग्रिल में हम ऐसे रख देते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। चेक हाउस टू वॉश डोमेस्टिक एंड पेरी डोमेस्टिक कंटेनर वंस इन ए वीक, वंस इन ए वीक हमको आपको जाके देखना है, और हम लोगों को फिर अवेयरनेस करना है, अपने सोसाइटी में पैम्पलेट देना है सोसाइटी के मेंबर को, या फिर नोटिसेस देना है। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप के ग्रुप सोसाइटी के भी हो जाते हैं, तो सोसाइटी के व्हाट्सएप के ग्रुप पे अगर हम ये सब चीजें शेयर कर सकते हैं जिनके कारण लोगों को ये मलेरिया डेंगी जैसे चिकनगुनिया और जीके वायरस के बारे में और ज्यादा मीन कर सकती है, और उनको ये भी बताना जरूरी है कि ये मलेरिया जो है मलेरिया रही डेंगू ये जो डिजीज है मॉस्किटो की वजह से हो जाते हैं, और हमको मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए उसके जितने भी ब्रीडिंग ग्राउंड है वह हमको दूर रखना है, उसको डिस्कार्ड करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि बूंद बूंद में जो पल जाता है वो पानी जमा हो जाता है, और ये जमा हुआ जो पानी है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाता है, लेकिन उनके लिए अगर अच्छा साबित हो तो हमारी ये मानव जाति के लिए अगर हम कहे तो हमें ये कुछ डिजीज दे सकता है, और इससे बचने के लिए हमको ये जो पानी की उसके ऊपर ध्यान रखना है और उसको डिस्कार्ड करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। आपने बहुत ही गागर में सागर भरने की कोशिश की और बड़ी अहम जानकारी आपने ऐसे बता दी, तो बड़े ही अवेयर हुए लोग हमारे मुंबई कर महाराष्ट्र के जो भी जो लोग वो लोग काफी अवेयर एजुकेट हुए। तो आनंद जी आप चाहे तो रुकिए और क्या कुछ सवाल जवाब आते तो हम लेते हैं आपके लिए आपसे रिलेटेड, कि आपने काफी अहम जानकारी दी। आप कोरोना के लिए एज ए कोरोना योद्धा फाइट कर रहे, फ्रंट वॉरियर्स हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक।